आज हम देखेंगे जो स्टेप अप मॉड्यूल है उसमें सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो बढ़ सकता है क्या, उसमें कितना बढ़ेगा। जो सोलर पैनल मैं लिया है वो 8.2 वोल्ट, 82 वोल्ट्स का है और 5 वाट का है। इसका ओपन सर्किट वोल्टेज है 10.22 वोल्ट्स है। हम इसको मॉड्यूल लगा के देखेंगे कि कितना वोल्टेज तक जाता है। तो ये हमने इसे धूप में लगाया है। इसके वोल्टेज चेक करते हैं कितने हैं। 9.6 ओपन सर्किट वोल्टेज दिखा रहे हैं। 9.6। अभी हम इसको स्टेप अप मॉड्यूल इंस्टॉल करके देखेंगे इसके आउटपुट वोल्टेज कितने मिल रहे हैं। इसका आउट और इन इधर लिखा है, इसमें इन में माइनस में माइनस, प्लस माइनस लगा है। अभी 35 वोल्ट पे पहले ही सेट है। अभी हम इसको कम ज़्यादा करके दिखाएंगे। वे बढ़ रहे हैं। कम भी हो रहा है। ये बढ़ते हुए कितना बढ़ सकते हैं। वोल्टेज वोल्टेज हो गए रोटी ने। अभी इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये 54.9 तक वोल्टेज बढ़ सकता है। अभी हम कम करके दिखाएंगे कितने तक कम हो जाता है। 12 वोल्ट का ज़रूरत होता है। अभी मल्टीमीटर
20 वोल्ट पर सेट करेंगे। कम से कम है 9 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं है, इसलिए इसमें उतना ही 9.74 तक इसमें कम हो जाता है, स्टेप अप ही रहता है इसमें। 9.74 मतलब जितना है उतना है उसके आगे। अभी इसका अभी जो मिल रहा है वोल्टेज चेक करेंगे, हाँ 9.97 जो सोलर से आ रहा है। ज़्यादा कुछ स्टेप डाउन नहीं कर रहा है, स्टेप अप के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसे। हम इसके अगली वीडियो में 12 वोल्ट सेट करके 12 वोल्ट का मोटर चला के देखेंगे वाकई में चल रहा है क्या इसमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।